नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पुलिस ने बीते दिनों जनपद के विभिन्न थानों में हुई 10 चोरी की घटनाओं के साथ ही पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के प्रतिनिधि के घर हुई चोरी का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने नवाबगंज, कायमगंज, शमशाबाद क्षेत्र में हुई चोरी की वारदातों का खुलासा करने का दावा किया है। वहीं पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी त्रिभुवन सिंह ने बताया कि पुलिस व स्वाट टीम ने कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के टेढ़ी पान नरसिंहपुर पर आधा दर्जन अपराधियों को दबोच लिया है, जिसमें जबर सिंह पुत्र अमर सिंह, पुत्र मेवाराम वर्मा निवासी रसूलपुर नवाबगंज, सुनील पुत्र प्रेमचंद्र वर्मा निवासी हुल्लापुर अल्लाहगंज शाहजहांपुर, वीरपाल वर्मा पुत्र जदुनाथ वर्मा निवासी ऊंचा टीला सांडी हरदोई, पुरुषोत्तम दीक्षित पुत्र कल्लन पुत्र राम खिलाड़ी बगरारा नवाबगंज, रच्छपाल वर्मा पुत्र श्री राम किशन निवासी रसूलपुर नवाबगंज, रामवीर उर्फ कलेक्ट्रेट पुत्र मन भावन निवासी सिकंदरपुर नवाबगंज को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 5 315 बोर, 1 राइफल, 14 कारतूस, 315 बोर, 4 खोखा, 180 ग्राम सोने के कीमत के 6 लाख चांदी के जेवरात, 500 ग्राम जिसकी कीमत 70,000, 2 लाख 6,000 नगद बरामद हुए हैं। एएसपी ने बताया कि घटना से पूर्व ताला लगे घर की रेकी करते थे, इसके बाद घटना को अंजाम देते थे। उन्होंने बताया कि आरोपी अन्य जनपदों में भी बड़ी बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फतेहगढ़ में लगातार चोरियां हो रही थी सभी कस्बों में लगभग, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए स्वाट और सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। इसमें कुछ चोरियाँ तो छोटी थी और कुछ चोरियाँ बहुत बड़ी थी, तो मुखबिर की सूचना पर और सर्विलांस के माध्यम से कुछ नाम प्रकाश में आए थे, उनके विरुद्ध काम करते हुए 6 अपराधी पकड़े गए हैं, जिनके द्वारा कायमगंज में 3, शमशाबाद थाना क्षेत्र में 4 और नवाबगंज में 3 चोरी की घटनाएं करना स्वीकार किया गया है। इससे संबंधित माल बरामद हुआ है। अभी हमारी 2 बड़ी घटनाएं, जिसे उम्मीद थी कि उसमें भी इनकी संलिप्तता होगी, लेकिन उसमें इनकी भागीदारी नहीं थी। एक राजेपुर की घटना है और एक कायमगंज में बहुत बड़ी चोरी हुई थी जो कि रिपोर्ट नहीं हुई है। तो इनसे अब तक 5,000 तमंचा मिला है 315 बोर का, 1,000 राइफल है 315 बोर की, 14,000 जिंदा कारतूस हैं और 4,000 खोखा कारतूस हैं। करीब 180 ग्राम की जेवरात हैं सोने की, लगभग कीमत उसकी होगी 6 लाख रुपये, और चांदी के लगभग 1.5 किलो के जेवरात हैं, लगभग 70,000 उसकी कीमत होगी। 2 मोटरसाइकिलें मिली हैं और करीब 2,06,000 रुपया नगद बरामद हुआ है इन सभी घटनाओं से। इनकी सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री है और इसमें 1-2 नाम और हैं जिनके विरुद्ध अभी कार्रवाई की जानी